बैठक हुई, जिसमें बैठक में 30 बिंदुओं पर चर्चा हुई और राज्य को भी काफी सौगात मिली है। धामी कैबिनेट की बैठक में हुए बड़े फैसले, उद्योगों को पहाड़ चढ़ाने की तैयारी, पहाड़ी जिलों में उद्योग लगाने पर 14 सब्सिडी देगी सरकार, मास्टर प्लान के तहत विकसित होंगे हरिद्वार ऋषिकेश, पहली ड्रोन नीति से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर, पुलिस दूरसंचार विभाग के पुनर्गठन को मिली मंजूरी, मसूरी को मिला तहसील का दर्जा। बीते गुरुवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें प्रदेश के विकास के लिए कई जरूरी फैसले भी शामिल हैं। बैठक में मसूरी क्षेत्र को एक तहसील बनाए जाने की मंजूरी मिली है। साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 6 वर्ष होने पर भी मुहर लगी है। सरकार ने हरिद्वार ऋषिकेश जैसे धार्मिक नगरों को विकसित करने के लिए गंगा कॉरिडोर को भी मंजूरी दी है। 6 महीने में दोनों का मास्टर प्लान बनाया जाना है। वैधाभी कैबिनेट ने पहली ड्रोन नीति को भी हरी झंडी दिखाई है, जिसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कैबिनेट के सबसे बड़े फैसले के तौर पर सरकार ने प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए नई MSME नीति को मंजूरी दी है। इससे उद्योग को सब्सिडी का लाभ मिलेगा। सबसे खास बात तो ये भी है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में निवेश के लिए ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी। हरिद्वार एवं ऋषिकेश शहरों का पुनः विकास परियोजना, ये जैसे आपने अभी वाराणसी की बात हुई, काशी कॉरिडोर, उज्जैन में आपने देखा बहुत अच्छा हुआ, इसी दिशा पे हरिद्वार एंड ऋषिकेश का जो कोर एरिया है, जहां देश विदेश से इतने लाखों करोड़ों में पर्यटक आते हैं, उस सभी का मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। 6 महीने में मास्टर प्लान बन जाएगा और उसके बाद जितने भी प्रोजेक्ट उसमें मास्टर प्लान के मुताबिक बताए जाएंगे, उनको 2 साल में उनकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी। तो उसका RFP आज कैबिनेट ने अनुमोदित किया और इसको जो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल कंपनी बनाई जाएगी, स्पेशल पर्पस व्हीकल, और उसके माध्यम से इसको किया जाएगा। और इसमें तेजी से करने के लिए, निर्णय लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई। जाहिर है कि प्रदेश के समुचित विकास के लिए CM धामी कई बड़े फैसले ले रहे हैं। प्रदेश के परियोजनाओं के लिए जरूरी धनराशि की मांग के लिए वो लगातार दिल्ली दौरे भी कर रहे हैं। हाल ही में जब वो दिल्ली गए थे तो उन्होंने PM मोदी से भी मुलाकात की और उसका असर हुआ कि उत्तराखंड को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिली। वहीं दूसरी ओर अगले साल लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में विकास परियोजनाएं काफी अहम हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।